षष्ठाध्याय से सप्तम पाद से प्रथमाधिकरण आरचेती, छठे अध्याय या सातवें पाद का पहला अधिकरण आरंभ होगा। यह नौ अधिकरणों की एक पेटिका है, इसका नाम है विश्वजित पेटिका। विश्वजित याग संबंधी प्रमुख विचार यहाँ उनमें भी किंचित किंचित हुआ है, इन्हें प्रमुख यहाँ पर इकट्ठे ले रहे हैं नौ अधिकरणों में, एक से नौ तक विश्वजित पेटिका। सब पहला अधिकरण का नाम है विश्वजिति सर्व धनदानाधिकरणम। सर्वस्व दो, सर्वस्व दान दो। सर्वस्व का अर्थ क्या? सर्वस्व का मतलब जो कुछ भी मेरा स्व है। मेरा स्व तो मेरा बाप भी है, मेरा है ना, किसी और का है? मेरा बाप है, फिर वो भी दान में दोगे क्या? तो सर्वस्व देना है, जो भी मेरा स्व है, सर्वम है ना, स्व स्व तो माता पिता भाई बहन सब सबको दे दो दान में, ऐसा अर्थ तो नहीं किया जा सकता। जैसे युधिष्ठिर ने किया ना मूर्खता, अपने पत्नी को बच्चों को भाइयों को सबको स्व, जितने भी अपने स्व सबको रख दिया दांव में, पत्नी को भी अंत में रख डाला, वो गलत है, शास्त्रीय व्यवस्था के विरुद्ध। यही सब उससे भी पाप हुआ, उसका नतीजा भुगतना पड़ा, जंगल में तपस्या करनी पड़ी। सर्वस्व दाने पित्रादा वपित धन एववा स्वत्वा दाद्य पितृत्वादा वत्यागा धन एवता। सर्वस्व दान में पित्रादियों का भी दान दिया जाए, अथवा तद धन एववा, जो पैसा कौड़ी है उसी को देना धन। पूर्व पक्ष कहता है स्वत्वादाद्य, अरे स्वत्व तो बराबर है, पिता में माता में भाई में बहन में गाड़ी में घोड़ा में रथ में सब चीज़ में बराबर है, पुत्र में भी स्वत्व है, पुत्री में भी स्वत्व है, सब में बराबर स्वत्व है, सबको दे दो, इधर नहीं होगा। स्वत्वाद आद्य पूर्व पक्ष ने कहा, सिद्धांत नहीं, पितृत्वाद अत्यागाद, पितृत्वादि का त्याग नहीं हो सकता, पितृत्वादौ अत्यागात धन एव तत्। स्वशब्द से धन को ही लेना। और देखो स्वशब्द का अर्थ क्या किया व्याकरण में भी, आत्मा आत्मीय ज्ञाति धन, चार अर्थ लिया। यदि आत्मीय भी धन का ही पर्यायवाची हो तो स्व में लेना होता तो धन अलग क्यों बोले? आत्मीय भी धन में आ गया ना, धन से अलग आत्मी बोल रहे कि नहीं बोल रहे वहां? इसलिए आत्मीय जो माता पिता भाई बहन वगैरह है वो धन से भिन्न है, अतः उसको संग्रह करने के लिए अलग से कर, आत्मा आत्मीय ज्ञाति और धन, इनमें से स्व को दो, स्व कहने से हम धन मात्र को दूंगा, बाकी तीन को नहीं दिया जाएगा। इदम आमनंती यह पठित है विश्वजिति सर्वस्वम ददाती, विश्वजित याग में क्या पठित है? सर्वस्वम ददाती कहा गया। तत्र धन इव पित्रादिषु आत्मीयत्वस्य समानत्वात्, धन के समान पित्रादियों में भी आत्मीयत्व समान होने से अस्ति पित्रादीनामपि तद्दानम, पित्रादियों का भी दान अवश्य करना चाहिए इति प्राप्ते ब्रूमः। आत्म संबंध त्यागपूर्वकम परसंबंध आपादनम दानम, दान का अर्थ क्या है? स्वस्वत्व परित्याग पूर्वक परस्वत्व आपादनम संप्रदानम, व्याकरण में लिखा है संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदान का अर्थ होता है यह मेरा है, आत्मीयत्व को त्यागना पड़ेगा और परकीयत्व का आपादन करो, परसंबंध आपादन करो, स्वसंबंध परित्याग पूर्वक पर संबंध का आपादन करने का नाम दान होता है। यानी कि आप अपने पिता में कर सकते हैं, पिता माता को, उसमें आत्मीयत्व का त्याग हो सकता है क्या? यदि आपने आत्मीयत्व का त्याग करके दूसरे को दान में दे दिए, फिर कोई उसके बाद कोई पूछेगा आपका पिता कौन है तो किसको कहोगे? आपका आत्मीय तो रहा नहीं, हो जो तो आपने दान दे दिया, फिर कहें मेरे बिना पिता का पैदा हो गया क्या?
इसलिए ऐसी चीज जिसमें आत्मत्व का त्याग करने का अधिकार भी आपको नहीं है, अरे उन चीजों का दान नहीं दिया जाता है। आगे अगर राजा है, मान लो सर्वस्व दान दे रहा है, पूरा राज्य मेरा समझ रहा है ना वो, कि पूरे राज्य को दान दे देगा विश्व त्याग करते हुए? नहीं कर सकता। या क्या अगला अधिकरण में, इसलिए क्योंकि दान का मतलब होता है आत्म संबंध का त्याग पूर्वक पर संबंध का आपादन करने का नाम दान है। नहीं दीयमाने पितरी स्वकीय पितृत्व त्याग पर के पितृत्व आपादनम वा संभवति, या संभव ही नहीं है, क्योंकि दीयमान जो पिता है उसमें स्वकीय पितृत्व को हटा करके क्या अगले को कहोगे क्या तुम इनको अपना पिता मान लो, तुम्हारे पिता ये हैं आज से? पर की पितृत्व का आपादन हो सकता है? असंभव है। तो पर की पितृत्व आपादनम वा नहीं संभवती किंच इतरायणी स्व शब्दस्य आत्मा जातिर आद्यम धनंचेति चत्वारो अर्थः तेषु एकस्मिन् प्रयोगे एक एव अर्थो वाच्य। इनमें से जहां भी स्व शब्द आता है चारों अर्थ थोड़ी लिया जा सकते एक साथ, एक प्रयोग में एक ही अर्थ लेना पड़ेगा। प्रकृतौ च गवादि धन से दक्षिणात्वाद यापि धन एव जो है वाचित्वम युक्तम। इसलिए यहाँ गवादि धन को ही दक्षिणा रूप में माना गया, इसलिए इस प्रकरण में भी विशुद्ध प्रकरण में भी स्व शब्द से धन मात्र वाचित्व मानना चाहिए। तस्मात धन सेव दानम न तो आत्मा आत्मीय जाति का दान नहीं होगा। द्वितीय अधिकरण मारचेति विशुजिति भूमि दान अनधिकाराधिकरण भूमि दान अनधिकाराधिकरण विश्व त्याग में भूमि का दान देने का अधिकार नहीं है। भूमि दान अनधिकाराधिकरण देया नवा महाभूमि ही स्वत्ता राजा ददातु ताम पालन सेव राजत्वात् न स्वंभूर्दियते न सा। देया नवा महाभूमि, राजा है वो याग कर रहा है विश्व त्याग मान लो, अब उसके पूरे राज्य को अपना मान रहा है, लेकिन वह वास्तव में पूरे राज्य का देश का मालिक नहीं हो सकता, स्वामी नहीं है। यदि पूरे देश का एक मालिक हो गया, सारा जमीन जायदाद उसी के नाम हो गया ना, फिर प्रजा अपने नाम कैसे कर सकेगा? जमीन आप अपने नाम करते कि नहीं करते? रजिस्ट्री कैसे कर रहे हैं? वो रजिस्ट्री ऑफिस कैसे कर रहा है आपके नाम पे? अरे दूसरे के जमीन आपके नाम कैसे कर देगा? ट्रांसफर नहीं कर सकता। राजा का जमीन है, नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? राजा केवल देश की रक्षा कर रहा है, पूरे जमीन की रक्षा कर रखा है, असली स्वामी नहीं है। असली स्वामी लाखों करोड़ों लोग हैं, वो एक दूसरे को बेच सकते हैं, वो ट्रांसफर होता है, है कि नहीं? नहीं, सरकारी जमीन तो सरकार के, उसका तो ट्रांसफर होगा नहीं ना, ये तो मैं कह रहा हूँ। यदि पूरा देश ही सरकारी जमीन है, फिर आप कर पाओगे क्या? ये मैं कह रहा हूँ, पूरा देश सरकारी जमीन नहीं है ना, ये आवासीय करके अलग कर दिया है, गांव का है, इसे इधर सरकारी उधर सरकारी है। तो गांव का है जो आवासीय मान गया आपने, या खेती मान लिया आपने, उसी को आप बेच सकते खरीद सकते, उसका स्वामी राजा नहीं सरकार नहीं, जो स्वामी है वो आपको बेच सकता है। इसलिए पूरा देश का स्वामी यद्यपि राजा माना जा रहा है, लेकिन वह स्वत्व नहीं माना जा सकता। इसलिए पूरे संपत्ति सर्वस्व दान के अंदर पूरा भूमि पूरा देश को दे दो दान में, ये नहीं हो सकता है। वही समझा रहे, देया नवा महाभूमि, महाभूमि देया नवा, देना योग्य है या नहीं?
स्वत्वादि राजा ददातुता, पूर्व पक्ष कहते हैं राजा का स्वत्व है तो राजा दे सकता है, सिद्धांत है नहीं, नहीं राजा का स्वत्व नहीं है पूरा जमीन, पालन सेव राजत्व, राजत्व जो स्वामित्व है पालन करने मात्र के लिए सीमित है, वो पालन करने के लिए उसको भी खर्चा चाहिए, कैसे पालन करेगा आपका, उसके लिए व्यवस्था करेगा ना, रजिस्ट्रार ऑफिस बनाया है उन लोगों को तनख्वाह देना पड़ेगा ना, कौन देगा, इसलिए आपसे टैक्स लिया जाता है, स्टैंप ड्यूटी लिया जाता है, उसके माध्यम से उनको राजस्व प्राप्त होता है, उस राजस्व से आपको पूरा सुरक्षा प्रदान करेगा, आपकी लड़ाई झगड़ा होगी जमीन में पुलिस बुलाएंगे, पुलिस को कौन तंका देगा, आप तो जाएंगे नहीं, आप तो अपने काम से मतलब से आज के दिन चलो मान लो 5,000 घूस भी दे दिया, उसे काम थोड़ी चलेगा, उसकी जिंदगी तनख्वाह तो देनी ही पड़ेंगे ना, वो सब राजा का काम है, इसे राजा आप लोगों का जमीन का केवल पालक है, असली मालिक नहीं है, इसलिए पालन सेव राजत्व न स्वम, वो उसका स्व नहीं है, अतएव न साध्यते, इसे भूमि आदियों को वो नहीं दे, सा भूर न दियते, वह दूसरों का भूमि को वह दान नहीं दे सकता, तो उसका स्व है ही नहीं वो। यदा सार्वभौमो राजा विश्वजित दादौ सर्वस्वं ददाति, जब मान लीजिए सार्वभौम राजा विश्वजित आदि यज्ञ को करने लगा और वह सर्वस्व उसको दान देना है, तदा गो पथ राज मार्ग जलाशय आदि अन्विता महाभूमि ही तेन दातव्या, पूर्व पक्षी कहता है गोपथ है, गौं का विचर भूमि है, गौं का जाने आने का मार्ग है, वो भी राज्य में आता है, राजपथ है राजमार्ग वो भी आ जाता है राजा के अधीन, जलाशय आदि तालाब आदि भी राजा बनवाया राजा के अधीन रहता है, इन सब से युक्त जो महाभूमि उसकी सीमा जितनी है उतने भर की पूरी भूमि का ओ स्वामी मान करके क्या दान दे सकता है, पूर्व पक्ष दातव्या देना चाहिए, कुतः भूमि है तदीय धनत्वात्, भूमि जो है वह राजा का धन होने से, राजा सर्वस्य इष्टे ब्राह्मण वर्जमिति स्मृत है, काव्य स्मृतिकार ने राजा है सभी पर शासन करता है एकमात्र ब्राह्मण को छोड़ के, ब्राह्मण पर शासन करने का अधिकार क्षत्रिय को नहीं है, इन आज के कानून में तो ये सब नहीं चलेगा, ब्राह्मण पर भी शासन करता है, ब्राह्मण को कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है, कोर्ट में शूद्र बैठा हुआ है जज, वो शासन करेगा, ए दब बोलेगा जाना पड़ेगा चुपचाप, वो कुछ बोल नहीं सकते, तुम्हें ब्राह्मण हो मेरे से कैसे बोल रहे हो, नहीं बोल सकते, जेल में डलवा देगा, आजकल के कानूनी व्यवस्था पूरे ही वैदिक सनातन धर्म के विरुद्ध चल रहा है, बिल्कुल बेकार है। हाँ युधिष्ठिर ने जो कहा हम ब्राह्मण को दंड नहीं दे सकते, क्षत्रिय वैश्य शूद्र को दंड घोषित किया उसने लेकिन ब्राह्मण को नहीं, ये स्मृति है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ के अंदर आ गया, जलाशय भी आ गए, तालाब अगर आ गया, राजमार्ग आ गया, गोपथ आ गया, गाँवें आ गई, सब आ गए, सबके घर द्वार सब आ गया उसी के अंदर, सबका दान दे देगा कि फिर अब आपका अपना घर क्या रह गया, किसी प्रजा का अपना घर रह गया, सब घर भी उसी का हो जाएगा, तो पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है सब उसका स्व ही मान लिया जाए, इति चेत इति प्राप्ते ब्रह्मा, दुष्ट शिक्षा शिष्ट परिपालनाभ्याम राज्य ईशितृत्व, स्वामित्व नहीं है, ईष्टे है ना, स्मृति में भी क्या होगा, ईष्टे शासन करता है, शासन का मतलब क्या होता है, दुष्टों को दंडित करना, दुष्ट शिक्षा मैंने शिक्षा का तात्पर्य दंड, उनको पढ़ाने लगाना नहीं है, शिक्षा का अर्थ पढ़ाना नहीं है, शिक्षा मैंने दंड देना, कर्नाटक में शिक्षा ही बोलते हैं, उसको शिक्षित किया, हाँ शिक्षे
मैंने दंडा दंड दे दिया उसको। तो दुष्टों को शिक्षित करो, दंडित कर देना और शिष्टों का पालन करना, शिष्टों का परिपालन करना, इसी का नाम राजा में ईशित्रित्व माना जाएगा। स्मृति अभिप्रेताम, ये स्मृति के द्वारा अभिप्रेत ईष्ट का अर्थ है, स्वामित्व नहीं। इति अतः न राज्य भूमिर्धनम, इसलिए भूमि जो है राजा का धन नहीं हो सकता। किंतु तस्याम भूमौ स्वकर्म फल भुंजानानाम सर्वेशां प्राणिनाम साधारणम धनम, इसलिए उस महाभूमि देश भर की सारी भूमि पर जो है स्वकर्म के फल का भोगता हुआ सकल जो उसकी प्राणी माने प्रजा है उनका अधिकार है, उनका वो स्व है, वो राजा का स्व नहीं है, इसलिए सर्वसाधारण धन कहा जाएगा उसको। अतो असाधारणस्य भूखंडस्य सत्य विद्याने माँ भूमिर्धानम नास्ति, इसलिए असाधारण भूखंड है उसकी अपनी, राजा का अपना संपत्ति भी होता है, अपना जमीन जायदाद होता है, वह असाधारण भूखंड पर उसका स्वत्व होने पर भी सत्य विद्याने उसका दान भले वो दे सकता है, इन महाभूमिर्धानम नास्ति, पूरे देश का भूमि राज्य का भूमि वह दान नहीं दे सकता। उसे व्यक्तिगत जो संपत्ति है जमीन जायदाद वो भी देना चाहे दे सकता है। आजकल क्या कर ये नियम है, पर्सनली उनके नाम पे भूमि तो होगा अभी होगा, तो जो होगा उसको दान दो। वही तो कह रहे हैं राजा का अपने नाम पे जो दान दे, राजा का अपने नाम का जो उसका अपना संपत्ति हो तो दे देना चाहे दे सकता है, आगे निषेध भी करेंगे। नहीं उसको अधिकार नहीं, वो आएगा आगे वो भी बात आएगा, वो सब नहीं दे सकता। पत्नी के नाम पे तो पत्नी का अनुमति चाहिए, यज्ञ भाग में ले रही वो पत्नी, वो अनुमति देगी। आजकल तो स्टैम्प पेपर बोलते हैं ना, उसको बचाने के लिए पत्नी के नाम रजिस्टर करवा देते हैं लोग, बेटी के नाम रजिस्टर कर देते हैं, खर्च कम पड़ता है, बहुत तेज लोग हैं। हमको भी ऐसे कर दिया था, वो एक रजिस्ट्रार था उसको मालूम नहीं था, वो सरस्वती नाम था ना अंत में, वन कोई औरत हो गई और वकील ने पूछा नाम बता रिसर्च ये इनका कितने स्टैम्प ड्यूटी होगी आप बताइए, इतनी संपत्ति है इस, उसने जो कटौती करके बता दिया। जब वहाँ गया दाढ़ी मूछ वाला खड़ा है, अरे वो कहता अरे गलती हो गई हमसे, अरे आपको इतना और स्टैम्प दिलाना पड़ेगा। मैंने कहा आपको पता नहीं कि सन्यासी का नाम सरस्वती होता, पहली बार ड्यूटी में है हो क्या यहाँ इस एरिया में? तो फिर कहते कोई बात, मेरे फिर हम दोबारा और स्टैंप खरीद किया और साथ में दिया, भ्रम हो जाता है तो अपने साथ हुआ इसलिए बता रहा हूँ। तो भी वहाँ पर ये होता है दूसरे के नाम पे है तो आपका अपना नहीं माना जाएगा, उसी का माना जाएगा। जैसे कई औरतें कि अपने नाम संपत्ति कर लिए बाद में डाइवर्स कर देती है और तो संपत्ति मांग नहीं सकते, उसका नाम पे है वो तो ले जाके पूरा गया पूरा ही चला गया। तृतीयाधिकरण आरचेती तत्र अश्वदान अनधिकार अधिकरण, जैसे माँ भूमि का अधिकार नहीं है, घोड़े दान देने का भी अधिकार नहीं। क्या अश्व प्रतिग्रहित्रधिकरण आया था ना पहले, घोड़े दान देने वाले को भी दोष लगता है, लेने वालों को भी लगता है, विचार आया था देने वालों को ज्यादा लेने वालों को इतना नहीं है, ये वर्णन हो चुका है, इसलिए घोड़े को दान नहीं देना चाहिए। तद अश्वदान अनधिकार अधिकरण दान केसरी नाम नोवा वीत प्रतिषेधतः विकल्प परिदासोयम ये यजामह नीतितः, ये यजामह नीतितः, ये यजामह एक मंत्र है आया था आपका संग्रह में, वह परिदास मानना चाहिए कहा है, वैसे यहाँ भी परिदास माना जाएगा। ये यजामह नीतितः विकल्प परिदासोयम ये यजामह नीतितः, दानम केसरी नाम नोवा, केसरी मने घोड़ा, इन घोड़ों का दान दिया जाए या नहीं दिया जाए, हाँ सिंह का भी पर्याय है
यानी यहाँ घोड़े में ही प्रयोग होता है वेद में। यहाँ विहित प्रतिषेधता, इसलिए सिंह पर्याय में प्रयोग किया है रामश्री मिशन वालों ने, वेदांत केसरी नाम से मैगजीन निकालते हैं, वेदांत का सिंह, यानी यहाँ केसरी तात्पर्य घोड़े में। नोवा ये विकल्प उठा, पूर्व प्रतिषेध विहित प्रतिषेधता दान कर्तव्यम, विहित का प्रतिषेध होने के नाते दान करने में कोई दोष नहीं है। विकल्प प्रयोग विकल्प स्यात, उसे विकल्प कर लो अधिक से अधिक, विकल्प है ना, विधि भी है और प्रतिषेध भी है, विधि के अनुसार देना भी चाहे दे सकता है, प्रतिषेध नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे सकता है। तो पूर्व पक्ष ने कहा इसलिए विकल्प मान लो, सिद्धांत नहीं, वहाँ निषेध नहीं है, वास्तव में विधि का पर्योदास किया गया है। पर्योदास का मतलब क्या, तद्भिन्न तत्सदृश में अन्वय करना है आपने। दृष्टांत क्या उसके लिए, पर्योदास के लिए, ये जाम है नानुयाजेशु, नानुयाजेशु करके है ना वहाँ, और न जो है पर्योदास अर्थक है, उसी नीति को यहाँ लागू। यदि वो अधिकरण आएगा बहुत बाद में, वो अधिकरण आएगा दसवें अध्याय के आठवें पद में आएगा, ये एजाम है पर विचार दसवें अध्याय के आठवें पद में आएगा, वहाँ का नियम को पूर्व में यहाँ लेकर के वर्णन कर दे रहे हैं। न के शीर्णो ददाती विश्वजीति श्रूयते, विश्वत्याग के प्रकरण में बात आया है, न के शरीरों ददाती, केसरी को दान नहीं देना। तत्र सर्वश्रुद्धान विधानात, एक तरफ सर्वश्रुद्धान का विधि है, सर्वस्व के अंदर राजा के पास तो घोड़े होते ही हैं, अन्य के पास भी घोड़े होते थे, पहले ब्राह्मण भी घोड़े पालते थे, क्षत्रिय भी घोड़े पालते, वैश्य भी, कि आवागमन के लिए वही रहता ना, जैसे आज सबके पास कुटी है, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो सबके पास। तो इसलिए कहते देखो कि वहाँ पर निषेध के कारण से विकल्प मानना चाहिए, सर्वस्व दान का विधान है और सर्वस्व के अंदर घोड़े भी आ जाता है, अतः घोड़े भी दान दो और इधर घोड़े मत दान दो, दोनों बात आ गए। केसरी दान निषेधाच अशोदानम विकल्पितम, इसे विकल्प मानना चाहिए, इसे प्राप्त ब्रूम नायम प्रतिषेध, यह प्रसज्य प्रतिषेध नहीं है किंतु पर्योदास परिदास माना जाएगा। दो है ना, नय का मुख्य दो अर्थ है, एक तो प्रसज्य प्रतिषेध, प्रसक्त का प्रतिषेध कर देना, दूसरा परिदास है, अप्रसक्त को भी अध्यार करके प्रतिषेध करना। परिदास के जो प्रकार क्या है, तत्प्रकार दशमस्य अष्टमे पादे, देखो आ गया ना, दशमे के आठवें पाद में यजामहा मंत्र उदाहरण वित्तपादिशते, मंत्र के उदाहरण के द्वारा विस्तार में उत्पादन करेंगे। तो तस्तेन न्याय न वही नीति वही न्याय यहाँ लगा लो, अभी अश्व परिदास सती अश्व व्यतिरिक्तम सर्वस्वम दे, अर्थ इसलिए क्या हो जाएगा, अश्व से व्यतिरिक्त सर्वस्व को दान दो, ये अर्थ हो जाएगा। इति विधि निषेध और एक वाक्यता लाभात, विधि और निषेध का विकल्प करने की जरूरत नहीं है, एक वाक्यता का लाभ हो जाएगा। तो नाश उस पाक्षिकम अपिदानम, पाक्षिक भी अश्वदान का अधिकार समाप्त हो जाता है। चतुर्थाधिकरण मारजति, तत्र विद्यमान सर्वस्वदानाधिकरण, इसमें आगे देखिए विद्यमान सर्वस्वदानाधिकरण, वो बात आपका प्रश्न का जवाब आएगा। यहाँ वर्तमान में मेरे नाम में क्या है, उतने मुझे दान देने का अधिकार है, बाप मरेगा उसके बाद मेरे नाम में आने वाला है भविष्य में, या भविष्य में पता है मेरे को इतना पैसा मिलना है, वो सब अभी से दान नहीं होगा, संकल्प करो अभी से भावी दान का, या पहले था तुम्हारे पास अब तो कुछ रहा नहीं, सब खो गया, शेयर्स में डूब गया गया वो तो, अब भूत है वो तो, वो उसको कैसे दान करूंगा मैं, मेरा खोया हुआ सब तुम्हें ले लो लोन में वर्तमान में लोन है, लोन भी दान दे दो, कर्जा, ये सब नहीं हो सकता है। इसे विद्यमान जो वर्तमान में क्या है तुम्हारे पास देने योग्य साक्षात,
वही दान में देना है। विद्यमान दान सर्वस्व दान अधिकरण, विद्यमान के सर्वस्व दान का अधिकार है, यह अधिकरण आरंभ होता है। अर्चित्वापि किं सर्वं देयं यद्वा यदस्ति तत् सर्वोद्देश विधेयराद्यो न प्राप्ते सर्वता विधेयः। कहते मान लो जो धन मेरे पास नहीं है तो क्या करो, अर्चित्वा कमा करके दो बाद में। कई पंडित लोग बोलते हैं ऊपर जाओ बद्रीनाथ केदारनाथ आदि में संकल्प करा देंगे और आपके एड्रेस और ले लेंगे और कहेंगे अब उस समय तो तुम दे नहीं थे गोदान था नहीं बोला अपने पास जेब में पैसा, अब दो बोल के घर पहुंच जाते हैं राजस्थान गुजरात सब जगह पहुंच जाते वो पंडे, छह महीने पटबंद रहता है। हाँ गंगोत्री वाले भी सब चारों धाम वाले ऐसे करते। हाँ कहाँ से निकाल लेते हो, निकाल कर पहुँच जाएंगे, लाओ तुमने वहाँ संकल्प किया था दो, अभी नहीं है बोलोगे तुम कमा के दो, हम दो महीने बाद फिर आ रहे तुम्हारे फिर खड़ा हो जाएगा, देना ही पड़ेगा, छोड़ते नहीं। लेकिन सिद्धांत है ये सर्वस्व दान के प्रकरण में ऐसा नहीं हो सकता, वो तो विशिष्ट त्याग नहीं है, वो बात अलग है, वहाँ तो ऐसा हो भी सकता, कर भी लो आप, न्याय नहीं हो सकता। अर्जित आप किम सर्वम देयम, अर्जित तुमने कमा करके सब कुछ दो उनको, यद्वा यदस्ति तत् अत्व जो है वही देना है। सर्वोद्देश विधेय राज्यो, पूर्व पक्ष कहते हैं सर्वम को उद्देश्य सर्वस्व, सर्व शब्द उद्देश्य कोटि में आया हुआ है उसको विधान किया, इसलिए आद्य पक्ष मानना चाहिए। से न प्राप्ते सर्वता विधेय है जन्ना, क्यों, क्योंकि जो चोदक प्राप्त दान जो है उद्देश्य करके सर्वत्व का विधान किया। प्राप्ते सर्वता विधेय, अतिथि से जो प्राप्त हुआ है, चोदक मैंने अतिथि से प्राप्त में सर्वत्व का विधान किया है ना, अतिथि से प्राप्त क्या था 112 गौ दक्षिणा, 112 गौ दक्षिणा धन है वही है, उसी अति से प्राप्त उसमें सर्वत्व विशेषण जोड़ा हुआ है, आते हुए गौ दक्षिणा गौ से अतिरिक्त जो आपके पास कैश वगैरह हो जो देने लायक हो दो, ये तात्पर्य होगा उसका। पूर्वोक्त सर्वस्व दान है सर्वोद्देश्य दान विधेयते, पूर्वोक्त सर्वस्व दान में सर्वरूपी विशेषण को उद्देश्य दिया है, अतः सर्व को उद्देश्य करके दान विधान किया। पुरुषेण भोग्यम शय्यासनादिगम, देखो पुरुष के तरफ भोग्य अपना बिस्तर उत्तर सब दे दो, चटाई भी दे देना जमीन पे सो, कमंडलादि भी दे दो, हाथ में भिक्षा ले लो भोजन भाव हाथ पर ही करता भिक्षा करना पड़ेगा, फिर सब बर्तन भांड सब दे दो, पूर्व पक्ष ही कहता है। पुरुषेण भोग्यम शय्या आसनादिगम यत् सर्वं तद्दातुमिति, तस्माद् अविद्यमानमपि सर्वम अर्जित्वा, यदि कहोगे ये सब मेरे पास है ही नहीं, सब दूसरों के नाम कर दिया ना, चालाकी करते हैं दूसरों के नाम पहले से कर दिया, यही तो किया था उसने भी नचिकेता की कहानी में, पिता ने क्या किया पहले से अपना अलग कर दिया और इनको अलग अगला अधिकरण आएगा, कर सकते हैं अधिकार है, पहले से ही आप तीन भाग कर दो सारा संपत्ति, याग में दान के लिए अलग, अपना खाने पीने के लिए अलग और पुत्रादियों के लिए अलग कर दो। लेकिन उसमें उसने क्या गड़बड़ किया, निरिंद्रिया है ना, जगदत्रणा वो गड़बड़ था, वैसे विभाग कर में दोष नहीं था, इन ऐसी चीजें दे रहे वो जाके जाए पंडित के घर तक पहुंचेगा भी नहीं, पहले मर जाए, पाप था वो। इसलिए कहते हैं चोदक प्राप्त कोई अतिदेश कर रहे हैं, प्राप्त में ही सर्वता का विधान है यहाँ, अतएव अर्जन करके अभूतकालीन भविष्यकालीन सारे चीज को दान दो यार त्या नहीं हो सकता, वही समझा रहे हैं। सर्वम अर्जित्वा भी देमिति चेत मैवाम चोदक प्राप्तम दान उद्दिश्य, अतिदेश से प्राप्त 112 गौ रूपी दान को उद्देश्य करके सर्वत्व विधानात सर्वत्व का विधान किया। अतः सर्वशब्दश्च प्रसिद्ध वाचित्वात
प्रसिद्ध का ही वाच्य बनेगा, विद्यमान विषय वो विद्यमान विषय ही होगा। तस्मात यदस्ति, जो आपके अपने नाम से जितना आपका पास है तदेव देयम, उतने ही देना चाहिए। पंचमाधिकरण मार्जति तत्र, इसे बड़ा विचित्र अधिकरण है, जो आपका नौकर है उसको भी दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अबे आपका स्व है ना, अब उसमें दो प्रकार के नौकर होते हैं, एक तो बंधुआ मजदूर बोलते हैं, खानदानी, तुम्हारे बाप ने इतना कर्जा लिया था, वो कर्जा चुकाने तुमको अब जिंदगी भर बाप ने छोड़ दिया बेटे को, भाई मेरा कर्जा तू चुकाते, काम करते रहो, इनके बिना तनख्वाह का काम करते रहेगा बेचारा, खाना पीना देते रहेंगे, ब्याज दर ब्याज झुट्टे लगाते रहेगा, उसका भी बेटा उसका भी बेटा, खानदान का खानदान कहीं पहले ऐसा होता था। और तनख्वाह दे के नौकर हैं, दो तरह के नौकर हैं, शूद्र है, जहाँ आपने यज्ञ के लिए बुलाया, भाई काम करना है सफाई सफाई के लिए यज्ञ के लिए आपने लागू कर दी, लगा दिया उसको काम में, क्या इन सबको दान दिया जा सकता है? उसमें तत्र शूद्र दान अनधिकाराधिकरण, शूद्रादियों के दान देने का अधिकार नहीं है, शूद्र दान अनधिकाराधिकरण आरंभ होता है। धर्मार्थ सेवक शूद्रो देयो नो वास दासवत देयो अस्वत्तात्पराधीन त्वाभावाच्छन दीयते। धर्म के लिए वो अपना धर्म पालन करने के लिए आया है शूद्र, उसे काम ही है ना सेवा करना, परिचर्या शूद्र का कार्य है, अलग अलग प्रकार की सेवा, और धर्म के लिए ही वो सेवक बना है, उसको भी तुम दान दे दोगे क्या? धर्मार्थ सेवक शूद्रो, उसको भी देयो नवा देना चाहिए न देना चाहिए? सदास वेय व दास के समान उसको भी दे देना चाहिए। जैसे पहले जमाने में विवाह करता था, जब कन्या राजा लोग कन्या दान कर देते थे, विवाह होता था और उनके साथ सामान वान जाता था, और उसके जो दासी दास वगैरह भी भेजते थे, वहीं का उसका वीसा बन जाता था, उसी राज्य में हो जाते थे वो लोग, वो भी अपने पत्नी बच्चों परिवार से चले जाते थे सबके साथ, हाँ उसी राज्य में बसना पड़ता था जहाँ राजकुमारी गई। वैसे दास को इसे दासवत कहता है, दासवत सौ पे दे या और शूद्र को भी दे देना चाहिए, तक दासवत्वात पराधीनत्व भावाच न दियते। सिद्धांत कहते हैं वो आपका स्व नहीं है दासवत, दास तो आपका स्व था इसे वो तो दे भी सकते हो, ये जो नौकरी करने तनख्वाह लेकर के सेवा करे धर्मार्थ सेवा करने आया है, स्वधर्म पालन करने के लिए आया है, उसको आप तनख्वाह दे के तय कर लिया कि इतना दिन हो रहा है इतने दिन तुम ये काम करोगे, भाई तुम पानी भरोगे, तुम पत्तल फेंकोगे, शौच साफ करोगे, सब बांट दिया और उनका तनख्वाह भी तय कर दिया, उनको आप दे नहीं सकते, वो आपका स्व नहीं है अस्वत्वात। और पराधीनत्वात, पराधीनत्व भाव अच्छा, वो आपके अधीन नहीं है, वो मर्जी है, काम करके नहीं तो चला जाएगा छोड़ करके, दूसरा ढूंढो नौकरी के लिए, वो पराधीनत्व नहीं है, पर मैंने आप यजमान के अधीन वो नहीं है, अतः वो दान देने लायक नहीं है। अस्वत्वाच पराधीनत्व भावाच न दीयते। यस्तु शूद्रो विहितम स्वधर्मम अवगंतुम सेवते, जो शूद्र है अपने लिए विहित स्वधर्म का उसको जो है अवगमन करने के लिए ही अनुष्ठान पालन करने के लिए ही सेवते, सेवा कर में लग गया, अतंगा तय करके लगते हैं सनियाते, जहाँ भी काम करते हैं वो तो तंगा लेंगे, ऐसे हम लोग भी कार्यक्रम कराते हैं, वह भागवत वगैरह कराए, अब पहले शूद्र को बुलाया, भाई सब पत्थर उत्तर उठा साफ करना आपका काम है, उसने बोल दिया हमको 2000 देना पड़ेगा, करो ले भाई छुट्टी, आओ हम विशुद्ध या कर रहे हैं, मान लो पत्थर उठाने के लिए हमने रख दिया उसको सफाई करने के लिए, उसको दान दूंगा क्या मैं? उसको कैसे देंगे? सब आ जाएंगे भंगी झाड़ू लेकर के दे नहीं सकते आप। यस्तु शूद्रो
विहितं स्वधर्मम् अवगन्तुं सेवते सोपि सर्वस्व मध्यपातित्तात्, उसको भी सर्वस्व के मध्य में ऐसे मान के पूर्व पक्षी आशंका कर रहा है, गर्भदास वेयः, गर्भदास के समान। गर्भदास बने जब बच्चा गर्भ में था तब से ही वो उस मालिक का नौकर हो ही गया समझो, उसे गर्भदास कहते हैं, नौकर। गर्भदास शब्द है जो खानदानी नौकर, इसको बंधुआ मजदूर बोलते थे, बंधा हुआ है वो मजदूर, जब पेट में रहता है तब से ही बंधा हुआ है वो। बाप ने उसी समय से उसको निर्णय कर दिया या अमुक का नौकर रहेगा, इसे उसे नाम ही रख दिया संस्कृत में गर्भदास। उसके समान ये भी नौकरों को दे देना चाहिए शूद्र को, इस चेत मैवाम, ऐसा मत कहो। जीविकादि दाने न तस्मिन सेवके स्वत्व भावात्, जीविकाद्य दाने न, जीविका के आद्य जीविका के लिए आप उसको पहले जमाने में क्या होता था, पैसा नहीं देते थे, खाना पीना देते थे, इसलिए आद्य खाने योग्य, जीविका के लिए आद्य जो था खाने योग्य पदार्थ उसको दान देते थे, तो दान द्वारा उसको नौकरी पे लिए हुए हैं। तस्मिन सेवके स्वत्व भावात्, तादृश सेवक में स्वत्व आपका नहीं है, स्वेच्छाचारित्व ना, और स्वेच्छाचारी है, मर्जी से आया काम करने के लिए आपके यहाँ, आपने बुलाया या मर्जी से आया तो आपने काम रख लिया, वो स्वेच्छाचारी है। पर स्वत्व आपादन असंभवात, इसलिए पर स्वत्व का आपादन करना संभव नहीं है, अतएव न दे और दान देने योग्य नहीं है। षष्ठाधिकरणम आरचेति, छठाधिकरण आरंभ होता है, तत्र दक्षिणा कालिक सर्वस्व दानाधिकरण, वही और स्पष्ट करने के भूतभावी नहीं लेना, भूतभावी को नहीं लेना है, उसके लिए दक्षिणा देने काल में जो आपके पास जितना है उतना देना है, उसे पहले का मतलब नहीं बाद से भी कोई मतलब नहीं। भूतम भावी च देयम स्यात् काले औसतम वा आद्य सर्वश्रुतेरन्त्यो असंभवाद्यन्ययोस्तदा, भूतम भावी च देयम स्यात् काले अवस्थितम एव वा, भूत और भावी सब धन जो भी है वह देय है, अथवा दान काल अवस्थित हुआ, दक्षिणा देने का वक्त जो उपस्थित हुआ है उस वक्त में जो आपने देने के लिए तय कर रखा है वही देना है। सर्वत्व जो जो आपका स्व मैं इस याग में दूंगा करके विभाग करके तय कर दिया, अगला अधिकरण में आएगा तीन विभाग करने की बात कहेगा। दक्षिणार्थत्व न विभक्त सर्वस अलग हो जाता है सब, तो दक्षिणा कालिक जो सर्वस्व तय है उतने को ही देना है। विकल्प उठा पूर्व पक्ष कहते हैं आद्य क्यों सर्वश्रुत है, बार बार वही सर्व शब्द है ना, सर्व मने ये भी आ, भूत भी आ गए भावी भी आ गए सर्व में, तीनों काल का आ गया। सीधा नहीं अंत्य का अवसर दक्षिणा काल में अवस्थित जो उतरी क्यों अन्योस् तदा असंभवात, तदा मैंने दक्षिणा देते वक्त भावी भी उपस्थित नहीं है और भूत तो नष्ट हो चुका है, वो कहाँ से आएगा, दोनों ही उस समय में नहीं है, अतः उसको देने का मतलब नहीं है। विसर्जन मया कर्तव्य इति अध्यवसायात्, विसर्जित त्याग जो है मया कर्तव्य इति अध्यवसायात् ऊर्ध्वम दक्षिणादानात् पूर्वम, इस निश्चय के बाद और दक्षिणादान से पहले यत् स्वेन भोग्यम संचितम तद्भूतम, जो स्वेन स्वग्र भोग्य जो संचित है वो सबका नाम भूत धन हो गया। यच्च दक्षिणादानात् ऊर्ध्वम भविष्यत्येव, जो दक्षिणादान के बाद में भविष्य काल में आप कमाओगे वो सब इति निश्चितम, वो भी निश्चित जो आने वाला है, जैसे आदमी नौकरी कर रहा है उसको पता है ना अगले महीने क्या तनख्वाह मिलनी है, मालूम नहीं क्या हर महीने की तनख्वाह पता है, कितना उसमें कटेगा लोन आदि में कितना बच के आएगा उसको पक्का मालूम है,
लेकिन इससे उपस्थित नहीं है वो, जब आएगा जब आएगा, इस समय वो मालूम है, निश्चित है, लेकिन उपस्थित नहीं है। तद उसका नाम भावी। तद उभयम अपि सर्वशब्दार्थत्व दातव्यम्, वो दोनों प्रकार के धन भी सर्वशब्दार्थ के अंतर्गत होने से देना चाहिए। इचित मैवाम भूतस्य विनाश संभवात, पूर्व जो पहले जो कमाया हुआ है वो अभी तक है, ये कोई जरूरी है क्या? विनाश की संभावना है, भोग्य नष्ट कर दिया, भोग्य खत्म कर दिया है, हाँ एक एक पाए तंगा बचा के रख सकता क्या कोई? जो भी कमाया है खर्च भी तो हो गया, रोज खाना पीना बिजली पानी सब खर्चा तो हो रहा है, विनाश संभवात। और दूसरा भाविनस तदाइन अप्राप्तत्व न, जो भावी है दक्षिणा देते वक्त अप्राप्त है। पंडों की जब से सोच संकल्प करके भविष्य का भी सब संकल्प कर दो, अभी दूंगा भविष्य में दूंगा बोल के संकल्प कर दो यज्ञ दान में ये नहीं हो सकता है। भाई भावी संकल्प, भावी संकल्प वचन दो, भावी धन का भी संकल्प कर देना, इन यज्ञ में संभव नहीं है, कर्मकांड में नहीं होता। तदानीम अप्राप्तत्वेन अविद्यमानस्य दान अयोगात, अविद्यमान का दान देना संभव नहीं है, इसे दक्षिणा काले अवस्थितमेव देयम्, दक्षिणा काल में जो अवस्थित है वही दिया जाएगा। इति सिद्धम्।